वेलकम टू नॉलेज ट्रांसफ़र। और आज हम देखेंगे लेक्चर 6 सी फॉर बिगनर सीरीज़ का। और लास्ट लेक्चर में बताया था कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं और वन बाय वन सारे ऑपरेटर एक्सप्लेन भी किए थे। तो लेक्चर 6 में देखेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट इफ एल्स होता है, लूपिंग होता है और स्विच केस होता है। और इफ एल्स क्या होता है वो देखते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट इन सी इज़ यूज टू परफॉर्म द ऑपरेशन बेस्ड ऑन सम स्पेसिफिक कंडीशन। इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं जब भी कोई कंडीशन को टेस्ट करना होता है और उसका ऑपरेशन परफॉर्म कराना होता है तब। तो इफ ब्लॉक होता है तब एग्जीक्यूट होता है जब वो कंडीशन ट्रू हो जाती है, और नहीं तो एल्स ब्लॉक चलता है। और इसमें देर आर फॉलोइंग वेरियंट्स ऑफ इफ इन स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज। इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ लैडर और नेक्स्ट इट इफ। अब देखते हैं वन बाय वन इफ स्टेटमेंट क्या होता है। इफ स्टेटमेंट इज यूज टू चेक सम गिवन कंडीशंस एंड परफॉर्म सम ऑपरेशंस डिपेंडिंग अपॉन द करेक्टनेस ऑफ द कंडीशन। इफ स्टेटमेंट जब ही चलता है जब उसकी कंडीशन ट्रू हो जाती है। तो सिंटेक्स क्या होता है सी का, इफ की जो पैरेंथेसिस में लिखते हैं एक्सप्रेशन, मतलब वो कंडीशन जो हमको टेस्ट करानी है, देन उसका जो कोड एग्जीक्यूट कराना है वो उसके कर्ली ब्रेसेस में लिख देते हैं। अगर इफ के स्टेटमेंट में मुझे मल्टीपल लाइन का कोड लिखना होता है तो उसके लिए एक कर्ली ब्रेसेस लगाना कंपलसरी होता है। अगर वन लाइन का कोड है इफ के स्टेटमेंट के बाद तो कर्ली ब्रेसेस लगाना मैंडेटरी नहीं होता है। अब फ्लो चार्ट क्या होता है इफ का। जब कंपाइलर मेन फंक्शन से आता है तो सबसे पहले वो कंडीशन चेक करने के लिए जाता है इफ की। अगर इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो वो उसके कोड में, इफ के ब्लॉक में जो कोड लिखा होता है वो एग्जीक्यूट होता है, नहीं तो कंपाइलर स्किप करके जो रेस्ट ऑफ द कोड होता है उसे एग्जीक्यूट कर देता है। एग्जाम्पल क्या है इफ स्टेटमेंट का, तो इफ स्टेटमेंट का एग्जाम्पल है एक हेडर फाइल इधर इंक्लूड की है, देन एक मेन फंक्शन बनाया है क्योंकि कंपाइलर मेन फंक्शन से चलना स्टार्ट करता है, और एक नम नाम से वेरिएबल यहीं पे डिक्लेयर करके यहीं पे इनिशियलाइज भी कर दिया है। तो एक मैसेज लगाया एंटर ए नंबर, देन उसके लिए एक इनपुट लिया। एक नंबर का मॉडुलस कर रहे हैं, अगर नंबर का मॉडुलस करने पर 0 के इक्वल आ जाता है तो वो एक इवन नंबर होता है। तो उसे प्रोग्रामिंग की हेल्प से ऐसे करते हैं कि इवन नंबर हम किसी का चेक कैसे करते हैं। अगर किसी नंबर को इनपुट लेने पे और मॉडुलस करने पे अगर उसका रिमाइंडर 0 आ जाता है और यहाँ पे डबल इक्वल कंपेरिजन कर रहा है इसलिए, तो ये नंबर इवन नंबर हो गया। और अब देखते हैं कि इफ एल्स क्या होता है। इफ एल्स स्टेटमेंट इज एन एक्सटेंशन टू द इफ स्टेटमेंट यूजिंग विच वी कैन परफॉर्म टू डिफरेंट ऑपरेशन। इफ एल्स, इफ की हेल्प से हम ओनली सिंगल ऑपरेशन ही परफॉर्म कर पा रहे थे, पर इफ एल्स की हेल्प से हम टू डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो इफ एक ये सारे मल्टेनियसली वर्क नहीं कर सकते इफ एल्स स्टेटमेंट। अगर इफ स्टेटमेंट वर्क कर रहा होता है तो एल्स स्टेटमेंट नहीं करता, अगर एल्स स्टेटमेंट कर रहा होता है तो इफ स्टेटमेंट नहीं करता। तो इफ एंड एल्स ब्लॉक कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड। और इफ ब्लॉक तभी चलता है जब कंडीशन ट्रू होती है या कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स ब्लॉक चलता है। तो सिंटेक्स क्या होता है इफ ब्लॉक का, इफ की कंडीशन में जो कंडीशन टेस्ट करनी होती है वो लिखते हैं, देन जो कोड एग्जीक्यूट कराना होता है इफ की ब्लॉक में वो लिखते हैं, और एल्स के ब्लॉक में लिखते हैं जो एल्स का कोड एग्जीक्यूट कराना है। फ्लो चार्ट क्या होता है इफ एल्स का, सबसे पहले कंपाइलर उसके मेन फंक्शन पे आता है, देन इफ की कंडीशन पे आया। इफ की कंडीशन अगर ट्रू हुई तो इफ वाले ब्लॉक का जो कोड हुआ वो चला और बाकी जो कोड लिखा है वो चला। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो एल्स वाले ब्लॉक में जो कोड लिखा है वो चला, देन इफ के बाद जो भी कोड लिखा रहता है रेस्ट ऑफ द कोड वो एग्जीक्यूट होता है। तो एग्जांपल क्या है इफ एल्स का, सबसे पहले इधर मेन हेडर फाइल इंक्लूड की है, देन मेन फंक्शन चलाया, और एसटीडीआईओ का इसलिए यूज़ किया है बस क्योंकि यहाँ पे स्कैन ऑफ और प्रिंट एफ यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे एक नम नाम से वेरिएबल लिया है, देन उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया है, और यहाँ पे एक इनपुट लिया। अगर वो नंबर 2 का मॉडुलस करने पे अगर रिमाइंडर उसका 0 आ रहा है और यहाँ पे भी कंपेयर हो रहा है, अगर वो 0 के इक्वल आ जाते हैं, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इफ वाला स्टेटमेंट चलता है और प्रिंट करके देता है कि जो नंबर है वो इवन नंबर है, अगर नहीं है तो एल्स वाला पार्ट चलता है। और इफ एल्स का कोड अब देव सी प्लस प्लस से करके देखती है कि कैसे क्या एग्जीक्यूट कर रहा है वो, तो वो क्लैरिफाई हो जाएगा क्योंकि इफ एल्स का वैसे ही भी कर सकते हैं ऐसे टर्नर। इफ एल्स के हेल्प से कैसे कैसे कोड बनाते हैं तो पहले वो देखते हैं कि एक कोड नॉर्मली कोड बना लेते हैं, इवन नंबर्स का ही बना लेते हैं बस। तो इवन नंबर के लिए एक नंबर की नीड होती है, तो एक नंबर यहाँ पे पहले इनिशियलाइज किया, देन एक मैसेज दिया प्रिंट एफ एंटर अ नंबर,
देन एक इनपुट के लिए किया स्कैन एफ परसेंटेज डी देन एम परसेंट एन, क्योंकि सी में इनपुट लेने के लिए स्कैन एफ का यूज़ करते हैं। देन एक इफ की कंडीशन में लिखा अगर एन मॉडुलस टू जीरो के इक्वल आ रहा होता है तो उसके मैसेज में लिखते हैं प्रिंट एफ नंबर इज इवन नंबर, देन इसको टर्मिनेट कर देते हैं यहीं पे। देन कंट्रोल एस किया, देन फंक्शन एफ नाइन किया और फंक्शन एफ इलेवन किया। जैसे मैंने डाला फोर, तो फोर नंबर इज इवन नंबर है। अगर मुझे यहाँ पे प्रिंट भी कराना है कि मेरा नंबर भी साथ में एग्जीक्यूट होके आए कि नंबर कौन सा नंबर है, तो यहाँ पे परसेंटेज डी लगाया देन यहाँ पे कॉमा लगा के एन लगा दिया, फंक्शन एफ इलेवन किया तो कंपाइल और रन दोनों हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा फोर, तो फोर नंबर इवन नंबर है, ठीक है। अगर इसी कोड को मुझे इफ एल्स से करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे एक एल्स पार्ट लगाएंगे, एल्स पार्ट में लिखेंगे प्रिंट एफ परसेंटेज डी नंबर इज ऑड नंबर, इसको यहाँ पे टर्मिनेट कर सेव किया, कंट्रोल देन कंट्रोल एस किया, देन यहाँ पे कंपाइल और रन करते हैं। अब जैसे डाला यहाँ पे फाइव, तो फाइव कैसा नंबर है, एक ऑड नंबर है, तो ये दोनों को वेरीफाई कर रहा है। तो इफ़ की कंडीशन, यहाँ पे एक नंबर लिया, ये वाला नंबर है इसमें के टेस्ट वाली कंडीशन में गया, जब इसका मॉडुलस किया अगर ये जीरो के इक्वल आ रहा है और यहाँ पे डबल इक्वल का कंपेरिजन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे कंपेयर हुआ, अगर ये नंबर का मॉडुलस जीरो आ जाता है कंडीशन ट्रू हो जाती है तो इफ वाला पार्ट चला, पर फाइव वाली कंडीशन फाइव वाली केस में आया, जब हमने फाइव डाला तो ऑड नंबर क्यों आया, क्योंकि जब यहाँ पे फाइव जा रहा है, फाइव गया तो फाइव मॉडुलस टू करने पर रिमाइंडर वन आ रहा है और यहाँ पे इक्वल नहीं है, इसलिए एल्स वाला पार्ट चला, ठीक है। ये इफ एल्स से कोड हो गया और इफ से भी हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि नेक्स्ट इफ का कैसे यूज़ करते हैं, इफ एल्स इफ लेटर का कैसे यूज़ करते हैं।